नमस्कार दोस्तों, ये कुरकुरे पकौड़ों की आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। बहुत ही ज़्यादा करारे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू के कुरकुरे पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। मैं आज आप सभी के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और बारिश के मौसम स्टार्ट हो गया है और इसमें पकौड़े खाना तो बनता है, तो चलिए बनाते हैं आलू के बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे पकौड़े। अगर रेसिपी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम रेसिपी बना लेते हैं। तो कुरकुरे आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन आलूओं को छील लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, हमारे तीनों आलू जो हैं उसे हमने छील लिया है। अब हम ग्रेटर लेंगे और मोटे साइड की तरफ से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। हमें इसे पतले साइड की तरफ से ग्रेट नहीं करना है। मोटे साइड की तरफ से करने पर पकौड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहे तो इसे बिल्कुल पतला पतला कट भी कर सकते हैं, जूलियंस इसके बना सकती हैं। तो ये हमारे जो आलू हैं ये बिल्कुल हमने ग्रेट कर लिया और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसके लच्छे, ये देखिए कितने मोटे बनकर तैयार हुए हैं। बस इसी तरीके से हम तीनों आलू को ग्रेट कर लेंगे। जैसे जैसे ग्रेट करते जाएंगे हम इसे पानी में डालते जाएंगे और ये देखिए हमने तीनों आलू को ग्रेट करके पानी में डाल दिया है। इससे आलू के लच्छे जो हैं वो काले नहीं पड़ेंगे। इसे अच्छे से हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोना है। हमें जब तक धोना है जब तक इसका जो सफ़ेद पानी है वो ना पूरे तरीके से निकल जाए। ऐसा करने से आलू में स्टार्च की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आलू आपस में चिपकते नहीं हैं और तलते समय जो इसके पकौड़े हैं, इसके जो लच्छे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए, अब पानी जो है मैंने लास्ट वाला पानी जो है बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल इसमें वाइट वाटर नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इस तरीके से थोड़ा सा इसका पानी निकालते हुए, प्रेस करते हुए हम सारे लच्छे को एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे आलू के लच्छे तो बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब हम पकौड़े की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अपनी इच्छा अनुसार हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो 2 हरी मिर्च बारीक कट करके डाला है। साथ ही 1/4 कप मैंने हरा धनिया बिल्कुल बारीक कट करके डाला है। 1/4 चम्मच यहाँ मैं अजवाइन डाल रही हूँ। इसके साथ यहाँ पर 1/2 चम्मच के लगभग डाल रही हूँ मैं जीरा, इसे हल्का सा क्रश कर लिया है। साथ ही 1/4 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मतलब 1/4 चम्मच के लगभग लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच ही यहाँ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। तो मसाले सब तैयार है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। हमें यहाँ पे बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आलू में लिपटने तक ही डालना है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर और साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैदा। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो उसकी जगह पे आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सभी को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। हमने अभी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि नमक डाला है तो आलू थोड़ा सा अभी पानी छोड़ेगा, उसी पानी से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो हम ऊपर से थोड़ा सा मैदा इसमें और मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच मैदा और मिक्स कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा मैदा या बेसन हमें यूज़ नहीं करना है, उससे जो कुरकुरे पकौड़े जो हैं वो नहीं बनेंगे और मैदा और बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो बस ये हो गया है हमारा और आप देख सकते हैं इसमें केवल आलू के लच्छे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, बस ऊपर से हल्की सी कोटिंग हमारी मैदा और बेसन के लेयर की है। तो ये हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इसे मैं 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ रही हूँ और एक बार और अच्छे से मिक्स करूँगी। तो चलिए अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और मीडियम फ्लेम पे हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। पहले हम थोड़ा सा लच्छा डालकर देखते हैं, अगर ये तेल के ऊपर आ जाता है मतलब तेल अच्छी तरीके से गर्म है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म या कम गर्म हमें नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही इस पकौड़े को हमें बनाना है। तो एक एक करके पकौड़े को हम तेल में
डालते जाते हैं और इसे फ्राई करते जाते हैं। तो एक तरफ से अच्छे तरह से जब तक नहीं होगा, हमें इसे पलटना नहीं है और बार बार हमें इसे नहीं चलाना है, बीच बीच में एक से दो बार बस हमें हल्के हाथों से इसे पलटना है एक अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर आने तक के, एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के हमें इन पकौड़ों को तलना है। अगर ये पकोड़े आप शुरू में एक डाल कर देखें, अगर ये बीच में से बिखर जा रहे हैं तो फिर हमें पकोड़े में थोड़ा सा मैदा और मिक्स करना है और उसके बाद हमें उसे फ्राई करना है, तो वो वाली दिक्कत फिर नहीं आएगी। तो ये देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है पकोड़े में और ये पूरी तरीके से क्रिस्पी भी हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए आप देखने से ही लग रहा है ना कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारे पकोड़ों को तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा करारे कुरकुरे हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप चाहे तो इसमें प्याज के लच्छे भी कट करके डाल सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमारे पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और नए हैं मेरे साथ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। आप सभी का बहुत धन्यवाद।